अनी अग्रवाल एंड यू आर वॉचिंग गेटवे क्लासेस। ये मोस्ट अवेटेड वीडियो है ग्रामर की, यूनिट वन का ही हम डिस्कस कर रहे हैं और ये सिंटेक्स है, करेक्शन ऑफ सेंटेंसेस इनको बोलते हैं सिंटेक्स। पहला सेंटेंस है शी सैंग स्वीट। देखिए जब सैंग आता है, ये जो आपने लिखा है शी सैंग स्वीट, अब अगर ये इसमें होता है शी सैंग ए स्वीट सॉन्ग तो सही होता, अब उसने मधुरता से गाया, तो ये स्वीट जो है ये तो एडजेक्टिव है, तो एडजेक्टिव नहीं आएगा बल्कि ये आएगा स्वीटली, इसमें एडवर्ब आएगा, तो ये सेंटेंस आपका बनेगा शी सैंग स्वीटली, या फिर ये होता है शी सैंग ए स्वीट सॉन्ग। तो ये तो ऐसा तो है नहीं, इतना ज़्यादा तो हम इसमें चेंज नहीं कर सकते कि अपनी तरफ से लगा दें, तो शी सैंग स्वीट नहीं आएगा, स्वीटली आएगा। एवरी स्टूडेंट लाइक द टीचर, अब जो एवरी स्टूडेंट है वो अपने आप में सिंगुलर है, एक ही तो है, हर बच्चा, यानी हर बच्चा यानी एक एक बच्चा यानी एक बच्चा, तो ये सिंगुलर है और सिंगुलर के साथ सिंगुलर वर्ब आती है, तो एवरी स्टूडेंट लाइक्स द टीचर, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनेट में हम एस आई एस लगाते हैं ना वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में। अगला बहुत इंपॉर्टेंट है, वन शुड कीप हिज प्रॉमिस। देखिए जो वन होता है उसके साथ हिज नहीं आता, जैसे ही के साथ तो हिज आ जाता है, आई के साथ माई आ जाता है, वी के साथ आवर, लेकिन वन के साथ क्या आता है, वंस प्रॉमिसेस, बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रेड एंड बटर आर ए होलसम फूड, अब देखिए ब्रेड एंड बटर जो है वो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं, ब्रेड को बटर के साथ खाया जाता है और ब्रेड को बटर के साथ खाया जाता है, ठीक है, ब्रेड को बटर के साथ और बटर को ब्रेड के साथ, तो ब्रेड एंड बटर एक दूसरे के साथ खाए जाने वाले हैं इसलिए एक ही चीज़ माने जाएंगे, इज़ आएगा। ऐसे ही दाल एंड रोटी एक ही होगा, कढ़ी एंड चावल एक ही होगा, तो कढ़ी एंड चावल इज़ ए होलसम फूड, या फिर ब्रेड एंड बटर इज़ नॉट ए होलसम फूड। I have visited the Taj yesterday. अब yesterday है, yesterday का मतलब past indefinite, right? तो past indefinite में क्या आता है, second form आती है ना कि third form, third form गलत है, बल्कि past indefinite, yesterday से हमेशा past indefinite का पता चलेगा और जहाँ पर yesterday होगा वहाँ पर past indefinite मानकर आप second form का use करेंगे ना कि third form का। शी प्रेफर टी डन कॉफ़ी, अब देखिए प्रेफर जो है उसके साथ जो प्रपोजिशन लगती है वो टू लगती है, तो शी प्रेफर टी टू कॉफ़ी। ऐसे ही बहुत सारे हैं, सीनियर इन्फीरियर जूनियर एक्सटीरियर इन्फीरियर सुपीरियर, इन सब के साथ टू प्रपोजिशन लगती है। आई लिव इन USA, अब देखिए जितने भी बड़े मेट्रोपोलिटन सिटीज़ हैं या जो प्रोविंस हैं, प्रोविंस का मतलब जो गणराज्य हैं या फिर जो बड़े देश हैं उनके साथ US के साथ हमेशा द आर्टिकल का यूज़ होता है, ब्रिलियंट कंट्रीज़ के साथ या रिपब्लिक के साथ द का यूज़ होता है। शी इज़ मोर टाल देन मी, मोर टाल कोई वर्ड नहीं है, टाल का है टालर टालेस्ट, टाल जो डिग्रीज हैं टॉल टॉलर टॉलेस्ट, तो मोर टाल होने का तो कोई मतलब नहीं है, शी इज़ टॉलर देन मी। करेक्शन ऑफ सेंटेंसेस दोबारा से हम देखते हैं, और इट वॉज मनूज एंड तनूज कार्ड, देखिए मनूज और तनूज बहुत गलत है, मनू एंड तनूज कार्ड अब यहाँ पर अगर होता है मनूज एंड तनूज एंड शीतल्स कार्ड तो क्या लगते हैं, मनू एंड तनु एंड शीतल्स कार्ड, जो लास्ट वाला है उसमें अपोस्ट्रॉफी एस लगाएंगे। द डॉग लॉस्ट हिज चेन, अब डॉग जो होता है वो एनिमल है, एनिमल का जेंडर हमें आइडेंटिफाई नहीं होता, वो फीमेल भी हो सकती है मेल भी, तो डॉग के साथ हिज हर ये सब नहीं लगाना है, बल्कि डॉग के साथ क्या लगा, मतलब एनिमल के साथ क्या लगाना है, इट्स चेन, है ना। शी कुड नॉट डिसाइड अमंग द टू, जहाँ पर टू होता है वहाँ अमंग नहीं आता, वहाँ क्या आता है, बिटवीन आता है, और अमंग कब आता है, अमंग द थ्री, तो वो सही होता, अमंग राम श्याम एंड मोहन तो सही होता है, अमंग द चिल्ड्रन तो सही होता। द पुलिस इज़ कमिंग, पुलिस हमेशा सिंगुलर नहीं प्लूरल वर्ब है, तो पुलिस के साथ आर आएगा, ठीक है। इट वॉज काइंड ऑफ ए हॉट डे, देखिए काइंड ऑफ वैरायटी ऑफ सॉर्ट ऑफ, इनके साथ हम ए का रिमूवल कर देते हैं, इट वॉज काइंड ऑफ हॉट डे। माई हजबेंड हैज़ ए वर्क, अब जो वर्क है वो वर्क उसका जो डेली की एक्टिविटीज़ होती हैं, जो डेली एक्टिविटीज़ होती हैं हमारी उनके साथ, तो हम डेली रूटीन की जो एक्टिविटीज़ हैं उनके साथ हम वर्क लगा सकते हैं, लेकिन जो कोई वोकेशन है, वोकेशन का मतलब क्या हुआ, व्यवसाय ऑक्यूपेशन,
है ना, ऑक्यूपेशन है अगर कोई जॉब, तो उसके साथ क्या लगेगा, जॉब, चाहे वो छोटा काम हो या बड़ा, माय हस्बैंड हैज़ ए जॉब। आस्क हिम टू सेट बिसाइड मी, अभी हम जब प्रीपोजिशन बिसाइड्स मी, बिसाइड्स गलत है, बिसाइड्स का मतलब क्या था, बजाय, और यहाँ शी आस्क हिम टू सेट बिसाइड मी, मेरे पास, तो बिसाइड आएगा यहाँ, बिसाइड्स नहीं आएगा, ठीक है। आई सॉ टू डियर्स इन द पार्क, डियर्स नहीं आएगा, जो डियर होता है उसका बहुवचन भी प्लूरल भी प्लूरल सेम ही रहता है डियर, ठीक है। आई सॉ टू डियर इन द पार्क, दे कुक्ड डिनर बाय देमसेल्फ, देमसेल्फ कोई वर्ड नहीं होता बल्कि देमसेल्फ होता है। इट इज़ मोर हॉट नाउ, देखो फिर से वो आ गया, मोर हॉट में क्या होगा, हॉट डिग्रीज जो हैं वो क्या होंगी, हॉटर, हॉटेस्ट, ठीक है। तो इट इज़ हॉट, अब मोर हॉट का मतलब है थोड़ा ज़्यादा गर्म है तो हॉटर आ जाएगी। लेट हर एंड आई डू दिस वर्क, देखिए जब हर आपका, आपने थर्ड पर्सन लगाया है तो आई यहाँ पर क्यों आ गया, है ना, यहाँ पर भी थर्ड पर्सन लगाओ, तो लेट हर एंड मी डू दिस वर्क। अगला है एवरीबडी, एवरी वन मस्ट डू देयर वर्क, देखिए हमने अभी ये वाला बताया था आपको, वन शुड कीप वंस प्रॉमिस, वन के साथ क्या बताया था, वंस, इसी तरह से जो हमारा अभी वाला है एवरी वन, है ना, इसमें भी हमारा देयर गलत है, एवरी वन के साथ वंस वर्क आएगा, वो ही आ गया, वन मस्ट डू वन, वन के साथ क्या आएगा, वंस आएगा। टू माइल्स आर नॉट ए लॉन्ग डिस्टेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, टू माइल्स इज नॉट ए डॉ, अब टू माइल्स, अब जैसे माइल्स जो है अगर अकेला होता तो वो प्लूरल है, लेकिन जब हम टू माइल्स की बात कर रहे हैं तो दो जो वर्ड है वो सिंगुलर है और टू माइल्स जो है वो इज आएगा, दो मीलों, दो मीलों, मीलों तो सही है लेकिन दो मील तो दो के लिए आ रहा है ये, तो टू माइल्स इज नॉट ए लॉन्ग डिस्टेंस। ही इज़ वेरी इंटरेस्टेड एट गेम्स, इंटरेस्टेड के साथ हमेशा इन प्रपोजिशन आती है, एट गलत है, गुड के साथ हमेशा एट प्रपोजिशन आती है तो गुड एट होगा, ठीक है। बोथ द ब्रदर्स लव वन अनदर, देखिए जब बोथ के साथ आता है तो वन अनदर नहीं आता, ईच आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वी शुड कोऑर्डिनेट ईच अदर, जब मोर देन टू होंगे तो वी शुड कोऑर्डिनेट वन अनदर आएगा, तो ध्यान रखिएगा कि जब दो के साथ, बोथ माने दो होता है, तो दो के साथ क्या आएगा, ईच अदर आएगा, और दो से ज़्यादा के साथ क्या आएगा, वन अनदर आएगा, ये इंपॉर्टेंट रूल है बहुत। दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग बुक्स, देखिए बहुत ध्यान से देखिए, दिस इज़ वन ऑफ द बुक्स दैट हैव एवर बीन पब्लिश्ड, अब ये बात हो रही है, दिस इज़ वन ऑफ द बुक्स, यानी कि ये वन ऑफ द बुक है, ये उन किताबों में से एक किताब है, उन किताबों में से एक किताब, तो हम बात किसकी कर रहे हैं, एक किताब की, तो एक किताब के साथ तो एक वचन वाली वर्ब आएगी ना, तो हैव नहीं आएगा बल्कि क्या आएगा, हैज आएगा। द क्वालिटी ऑफ मैंगोज आर डाउन, यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं, क्वालिटी की बात कर रहे हैं, मैंगोज बहुवचन है लेकिन हम मैंगोज की बात नहीं कर रहे, मैंगोज की क्वालिटी, आप थोड़ा हिंदी निकाल लेना तो आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, आमों की क्वालिटी, तो क्वालिटी तो एक वचन ही है ना, गुण तो एक वचन ही है, तो आमों की क्वालिटी डाउन है, यानी कि क्वालिटी डाउन है, क्वालिटी तो सिंगुलर है, तो यहाँ पर इज आएगा, ठीक है। वी शुड लव पुअर, अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए पुअर जो है यहाँ पर वो हम, हमें गरीबों से प्यार करना चाहिए, तो गरीब आदमी नहीं है, गरीबों यानी नाउन की तरह यूज़ हुआ है, जब कोई एडजेक्टिव नाउन की तरह यूज़ होता है, जब कोई एडजेक्टिव नाउन की तरह यूज़ होता है तो दा लगा देते हैं, वी शुड लव द पुअर। ब्रेड एंड बटर ये वही वाला आ गया, रिपीटेड है। माई पैंट्स, अब देखिए बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो दो जोड़कर बनती हैं, पैंट क्या है, हमको तो ड्राइंग बनानी नहीं आती, इसी तरह से तो बनती है ना पैंट, तो दो को जोड़कर बनती है, तो जो भी दो चीज़ों, जैसे स्पेक्टिकल, जीन्स, ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो दो को जोड़कर बनती हैं उनको आर में रखते हैं, लेकिन इसी का रूल है ए पेयर, जब हम एक पे ए पेयर लगा देते हैं तो वो उसके साथ फिर सिंगुलर वर्ब आती है। सीजर्स, सीजर्स जो है वो हमेशा प्लूरल में काउंट होती है, तो इज़ दिस सीजर योर्स नहीं आएगा बल्कि आर दीज सीजर्स योर्स। दीज, अच्छा ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, दीज सीनरीज आर ब्यूटीफुल, सीनरीज हमेशा सिंगुलर होता है और सिंगुलर के साथ क्या आना चाहिए फिर दिस,
तो दिस सीनरी, सीनरी सीनरीज का मतलब कोई सीनरीज वर्ड नहीं है, सीनरी होता है एग्जैक्ट वर्ड और उसका प्लूरल भी प्लूरल सीनरी ही होता है. तो दिस, एक तो पहले तो ये दिस आ जाएगा, दिस सीनरी इज ब्यूटीफुल. नीदर नॉर के कुछ रूल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं. नीदर माई सिस्टर नॉर माई ब्रदर आर गोइंग. अब देखिए, नीदर जो पहली बात तो आप ये जान लीजिए, नीदर ईदर ये क्या है, सिंगुलर है, ये प्लूरल नहीं है. नीदर माई सिस्टर नॉर माई ब्रदर, अब ये भी सिंगुलर है, ये भी सिंगुलर है, तो यहाँ पर आर नहीं इज आएगा. ना तो मेरी भाई बहन, ना ही मेरा भाई जा रहे हैं, जा रहा है. दोनों ही सब्जेक्ट देखिए यहाँ पर है, दोनों ही सब्जेक्ट सिंगुलर हैं, तो क्या हो जाएगा, दोनों ही सब्जेक्ट सिंगुलर होने का मतलब है कि एक सिंगुलर वर्ब. अब है नीदर द टीचर्स नॉट द स्टूडेंट्स आर इज हैप्पी विद योर एटीट्यूड. तो टीचर्स बहुवचन है, प्लूरल है, और स्टूडेंट्स भी प्लूरल है, ठीक है. तो क्या आएगा, नीदर द टीचर्स नॉट द स्टूडेंट्स आर हैप्पी विद योर एटीट्यूड. बोथ द सब्जेक्ट्स आर प्लूरल, तो वर्ब जो लगेगी वो भी प्लूरल लगेगी. ईदर कॉफ़ी और टी आर मस्ट फॉर मी टू स्टार्ट द डे, या तो कॉफ़ी या टी मेरे लिए मस्ट है. अब या तो ईदर, ये भी यही रूल है, ईदर और ये दोनों ईदर के साथ, ईदर कॉफ़ी ना, या तो कॉफ़ी या टी चाहिए, तो इज आएगा यहाँ पर, ईदर है ये, ईदर कॉफ़ी और टी इज, क्योंकि दोनों ही सब्जेक्ट सिंगुलर सब्जेक्ट हैं तो सिंगुलर वर्ब लगेगी, ये ईदर है. Either my colleagues or my boss are going there. फिर वही बात है, colleagues और boss की बात चल रही है, तो दोनों ही plural हैं, तो यहाँ पर R आ जाएगा. ये गलत लिख रखा है इसने, R है. Either my colleagues or my boss are going there. अगर एक subject plural, अब देखिए दूसरा है, neither of the, ये बाद में बताते हैं. नीदर ऑफ द बॉयज़ आर क्वालिफाइड. अब नीदर मैंने आपको पहले ही समझाया था कि ईदर और नीदर सिंगुलर होते हैं, तो नीदर ऑफ द बॉयज़ आर क्वालिफाइड, तो उन बच्चों में से कोई भी उन बच्चों में से कोई भी, तो कोई भी तो एक है ना, तो इज आ जाएगा, हैज़ आएगा, वाज आएगा, जो भी वर्ब है वो सिंगुलर आएगी. ही डिड नॉट बाय नीदर द पेरेंट्स नॉट. अब ये है डबल नेगेटिव वाले. डबल नेगेटिव में क्या होता है, ही डिड नॉट बाई, वो उसने नहीं खरीदी ना तो पैंट ना ही शर्ट, तो ये क्या मतलब हुआ. तो इसे दो तरह से बनाएंगे, या तो ही बॉट नीदर द पैंट्स नॉट द शर्ट्स, शर्ट ये सही हो जाएगा. डिड नॉट बाई का क्या कर देंगे, डिड हटाकर, डिड को हटाकर, और बाई की सेकेंड फॉर्म आ जाएगी बॉट, ठीक है. ही बॉट नीदर द पेंट्स नॉट द शर्ट्स. अगर हमें नहीं हटाना है, डिड नॉट बाई ही रखना चाहते हैं हम, तो ही डिड नॉट बाई नीदर की जगह फिर ईदर द शर्ट और द पेंट्स आ जाएगा. एक सेंटेंस है, लिखिए नीदर, एन ई आई टी एच ई आर, नीदर माई बॉस नॉर माई कॉलीग्स आर कमिंग. तो देखिए, जब एक नीदर के बाद एक सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर है और एक सब्जेक्ट जो है वो प्लूरल है, ये प्लूरल है, तो हमें क्या करना होता है, जो पास वाला होता है उसके अकॉर्डिंग हमें वर्ब लगानी होती है. यानी आर के पास वाला अगर प्लूरल है तो हम इस ये प्लूरल वर्ब लगा देंगे, और अगर आर के पास वाला जो है वो सिंगुलर होता तो सिंगुलर वर्ब यानी इज आ जाती. तो प्रॉक्सिमिटी का रूल अप्लाई होता है. और नीदर माय बॉस नॉर माय कलीग्स, तो आर से पहले कलीग्स जो है वो प्लूरल है, इसलिए हम आर लगा रहे हैं. अब ये देखिए, अगर ऐसा होता नीदर, यही सेंटेंस है, माय कलीग्स, मैं डायरेक्टली यहाँ पर सॉल्यूशन दे रही हूँ इसलिए आप कन्फ्यूज़ मत हो ना. नीदर माय कलीग्स नॉर माय बॉस इज कमिंग. अब देखिए यहाँ पर इज़ क्यों लगा, इसलिए लगा कि ये जो है इसके पास वाला जो है वो सब्जेक्ट सिंगुलर है, ठीक है, इसलिए यहाँ पर इज़ लग गया.
तो ये समझ में हो गए होंगे, आई होप मैंने सारे ही ले लिए हैं। और एक चीज़ और डिस्कस कर लेती हूँ। ये देखिए एक सेंटेंस है, इफ़ आई विल स्टडी आई पास। तो आपने देखा होगा कंडीशनल सेंटेंसेस में एक जो कॉमे से पहले वाला होता है वो फ्यूचर किस में होता है, फ्यूचर इनडेफिनिट में, और दूसरा किस में होता है, प्रेजेंट इनडेफिनिट में। तो ये वाले कुछ कर लीजिएगा आप। एक चीज़ और है, एक अलग रूल है, शी हैड गॉन नहीं सॉरी शी वेंट बिफोर द ट्रेन हैड अराइव्ड। इसमें देख लीजिए शी वेंट, एक जो है वो पास्ट इनडेफिनिट में होता है यानी सेकेंड फॉर्म में होता है, और दूसरा किस में होता है, ये होता है पास्ट परफेक्ट में यानी हैड और थर्ड फॉर्म। तो एक पेयर सेकेंड फॉर्म का और एक पेयर थर्ड, ये हैड प्लस थर्ड फॉर्म का। और इसी तरह से इसमें क्या कौन सा पेयर है, फ्यूचर इनडेफिनिट और प्रेजेंट इनडेफिनिट का। तो इस तरह से कर लीजिए। आई होप आपको इसमें से कुछ ना कुछ समझ में आ ही गया होगा। अपने कमेंट्स लिखकर अपनी क्वेरीज पूछ सकते हैं। हैव ए वेरी हैप्पी एग्जामिनेशन टाइम, ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग गेटवे क्लासेस, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।